हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर एस बालाजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी थर्ड के ऊपर, जो कि है ओब्यूला साइकस का ओब्यूल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, द ओब्यूल ऑफ साइकस इज आर्थ्रोट्रापस। ओब्यूल का साइकस का ओब्यूल जो होता है वो आर्थ्रोट्रापस होता है। मीन्स कि इसमें माइक्रोपाइल, चेलेजा और फेंडकिल तीनों स्ट्रेप में होते हैं। इसमें तीन, देखिए माइक्रोपाइल, चेलेजा इसमें ये तीन माइक्रोपाइल, चेलेजा और फेंडकिल ये तीनों स्टेट में होते हैं। आर्थ्रोट्रापस और यूनिटेगमिक होते हैं। ये ओब्यूल जो होता है, द ओब्यूल ऑफ साइकस इज आर्थ्रोट्रापस एंड बिकम यूनिटेगमिक। मतलब कि इसमें जो माइक्रोपाइल, चेलेजा और फ्यूनिक्यूल है, तीनों एक सीध में होते हैं आर्थ्रोट्रापस ओब्यूल में। तो इसका ये एल एस सेक्शन है साइकस के ओब्यूल का एल एस सेक्शन ये है। कांटे पे हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। इसका जो ओब्यूल होता है ये मुख्यतः ये इंटुगमेंट से बना होता है। इंटुगमेंट जो होता है वो थ्री पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है, आउटर, मिडिल और इनर। इसका जो इनर एंड आउटर लेयर इज द इंटुगमेंट का इनर और आउटर लेयर जो होता है, ये जो फ्लेशी होता है और मिडिल लेयर हार्ड होता है। द आउटर एंड इनर लेयर इज मेड विद पैरेन्काइमेटस। द आउटर एंड इनर लेयर इज मेड विद पैरेन्काइमेटस नोन एज सार्कोटेस्टा। इसका जो आउटर और इनर लेयर होता है वो पैरेन्काइमेटस का बना होता है, जो सार्कोटेस्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। और मिडिल लेयर को स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं। द मिडिल लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्लेरोटाइमेटस, सो दिस नेम इज स्क्लेरोटेस्टा। इसका नाम स्क्लेरोटेस्टा है। इंटुगमेंट के तीन पार्ट हो गए, मिडिल, आउटर और इनर। इसका ये माइक्रोफाइल है। ये जो इंटुगमेंट होता है, द इंटुगमेंट कंप्लीट मिडिल पार्ट एंड बेस पार्ट, बट इट इज इनकम्प्लीट इन एपेक्स पोर्शन। ये देख रहे हो ना, मिडिल पार्ट में सब अटैच है, बट बेस में भी अटैच है, बट एपेक्स पार्ट में यह इनकम्प्लीट है। द इनकम्प्लीट इंटुगमेंट एंड एपेक्स पोर्शन ऑफ ओब्यूल मेड अ पोर नोन एज माइक्रोफाइल। इंटुगमेंट ओब्यूल के एपेक्स पोर्शन पर एक पोर का निर्माण करता है, जिसे हम माइक्रोफाइल कहते हैं। ठीक, इसी के बीच में नीचे पालन चैम्बर होता है। पालन चैम्बर होता है जहाँ पालन ग्रेन आकर रुकते हैं, जो आर्ची गोनिया से फ्यूज करके जयगुट का निर्माण करते हैं। ये आर्चिगोनिया चैम्बर है, जिसमें ये आर्चिगोनिया ठीक है। और ये सेंट्रल बंडल में, जैसे कि ये ओब्यूल को सेंट्रल बंडल में क्या होता है कि ये ओब्यूल में ये मतलब कि उसके मटेरियल या फिर प्रकार से सकते हैं कि ये उसका मतलब फूड मटेरियल प्रदान करने वाला ये सेंट्रल बंडल है। नीचे तरफ पाया जाता है ठीक है। तो ये ओब्यूल, साइकस का ओब्यूल या प्लांट किंगडम है। इट इज़ द लार्जेस्ट ओब्यूल ऑफ साइकस। द ओब्यूल ऑफ साइकस इज लार्जेस्ट ओब्यूल इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में यह सबसे लार्जेस्ट ओब्यूल है, साइकस का ओब्यूल जो होता है। वी कैन सी विदाउट एनी मैग्नीफाइंग लेंस, बिकॉज इट मे बी फोर टू फाइव सेंटीमीटर इन लॉन्ग है, इन साइज। इसे हम विदाउट किसी मैग्नीफाइंग लेंस के भी देख सकते हैं, क्योंकि यह 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। यह प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ओब्यूल है। ओब्यूल ऑफ साइकस जो है ना, ये प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ओब्यूल है। इसे साइकस को हम लिन के भी नाम से जानते हैं। लिन नाम लोग आप नाम सुने होंगे कभी कभी। इसमें ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक था,
विल हैव साइकस, ये कई बार पेपर में रिपीट किया हुआ है। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आर एस बायोलॉजी। थैंक्स।